ओम ओम मोति नमोति वमोदि कृष्णाया शु दिवयावल नंद नंद गोपाल गोविंद सिन्दु सिंधु

जिसका दसव स्कंद का पहला अध्याय सुनने का हम सबों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ये भागवत की कथा अमृत तुल्य है बहनों माताओं मित्रों इस समय आप सब के सब जो भी है हो सकता है सत्संग आपकी समझ में आए और हो सकता है ना भी आए भगवान ये नहीं देख रहा है कि आपकी समझ में सत्संग आई या नहीं आई भगवान इस समय यह देख रहा है कि आप सब उसके लिए आए हो आप सब बहने आप सब सज्जन आप सब माताएं अपने घरों से भगवान के लिए आए हो कृष्ण के लिए आए हो ईश्वर के लिए आए हो और उससे बेहतर हमारे दिल का हाल और कोई जानने वाला नहीं है आपके दिल के हाल आप चाहे बोलो या न बोलो भगवान जानता है आप अपनी जबान से बोलो या ना बोलो लेकिन आपकी जो आंखें हैं ना जो इस समय भगवान के क्या कर रही है दर्शन कर रही है वो आंखें सब कुछ बता देती है मुझे एक शेर याद आ रहा है कौन कहता है मोहब्बत की जबा होती है कौन कहता है मोहब्बत की जुबा होती है ये तो वो बात है जो निगाहों से ब्याह होती है यहां जो आपकी आंखें इस समय भगवान के दर्शन कर रही है और इस समय जो आपके कान इस इच्छा से यहां लगे हुए हैं कि हम कुछ कृष्ण के विषय भगवान के विषय ईश्वर के विषय सुनेंगे तो आप सुनो या ना सुनो लेकिन ये जो सुनने का भाव है वो भगवान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है बहनो आता मित्रों ये किसका घर है बोलिए ना ये किसका घर है भगवान का घर है और कोई भी घर वाले की अनुमति के बिना किसी के घर में नहीं जा सकता मानते हो आपके घर में कोई आपकी अनुमति के बिना आ सकता है नहीं दरवाजे से बाहर भगा दोगे उसको अंदर उसी को आने दोगे जो आपके ऐसे ये भगवान का घर है और भगवान ने आपको अंदर आने दिया है क्योंकि आप भगवान के अपने हो कल जहां से मैंने भागवत को विराम दिया था राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा था वहीं से आज हम आरंभ करते हैं आरंभ तो यहां से करते हैं लेकिन विराम कहा होगा मुझे भी नहीं पता राजा प्रक्षत ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी महाराज आप जानते हैं कि भागवत का प्रसंग सुखदेव महाराज और राजा प्रक्षत के बीच में है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि राजा प्रिक्षत को क्या दिया था श्राप दिया था बदुआ दी थी कि तुम्हें सात दिनों में मृत्यु आ जाएगी तब राजा प्रीक्षत ने सारे संत महात्माओं को एकत्रित करके अपने मानव शरीर को सफल करने का एक प्रश्न पूछा जिसके फलस्वरूप राजा प्रीक्षत को क्या सुनाई गई भागवत सुनाई गई बहनों माता और मित्रों मैंने कल भी कहा था और आज मैं फिर कहता हूं कि जितने लोग बैठे कोई ना कोई कोई ना कोई दुख सबको जुड़ा हुआ है। कोई रोध होके बोल देते हैं कोई हंसी में टाल देते हैं कोई किसी को बता के शांत हो जाते हैं कोई चुप ही चुप मन ही मन में घुटते रहते हैं ऐसे में ये भागवत आपके लिए एक वरदान है ये कृष्ण कथा आप लोगों के लिए एक वरदान है याद रखना ये जितनी बहने बैठी हैं जितनी माताएं बैठी हैं जितने बच्चे बैठे हैं जितने सज्जन जितने पुरुष बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण ने आप पे कृपा की तभी मुझे प्रेरणा हुई कि भागवत सुनाओ ये आज्ञा भाई ये ईश्वर की आज्ञा होती है तभी वक्ता को प्रेरणा होती है कथा सुनाने तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान किसने पूछा है सुखदेव गोस्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश का विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदिवंश का भी विस्तार की से वर्णन किया है अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र का भी हमें श्रवण कराइए बहनों ये प्रश्न पूछा माताओं के प्रश्न ये पूछा सूर्य वंश और चंद्रवंश के सारे राजाएं जो नवे स्कंद में विस्तार से बताया अब उस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अब उनके देखो यह भागवत में लिखा परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए अर्थात जब हम श्री कृष्ण के विषय सुनते हैं तो वो लीलाएं वो कथाएं है, कैसी हैं? बोलिए परम पवित्र है और वो परम पवित्र कथाएं सुनने वालों को भी क्या कर देती है पवित्र कर देती है बहनों माताओं मित्रों जानते में अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप हुए हम मना नहीं कर सकते ना मैं ना आप बचपन में ही तो जवानी में जाने में नहीं तो अनजाने में और मैं तो समझता हूं अनजाने में कम और जाने में ज्यादा हुए होंगे और अगर वो कर्म हमारे कटे नहीं तो आगे जाके बोलो भोगने पड़ेंगे और मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य कर्म करने में होशियार है लेकिन भोगने में बहुत लाचार है जब वो कर्म करता है तो उसे कोई डर नहीं लगता है लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो उसको बहुत डर लगता है अरे नरक में तो छोड़ो मेरी बहनों माताओं मित्रों आदमी हॉस्पिटल जाते भी ऐसे मैंने कई लोगों के देखा हॉस्पिटल जाने से मुझे डर लगता है पता नहीं आप मेरे पास ही रहना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आप मेरे पास ही रहना ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हो मुझे डर लगता है आप मेरे पास ही रुकना वार्ड में रात को मुझे डर लगता है कि नहीं रात को हॉस्पिटल में मुझे चलो ना मेरे साथ कोई हॉस्पिटल मेरे साथ चलोगे अरे हमें तो हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता है नरक तो बहुत ही दूर की बात है और बहनों माताओं मित्रों ये कृष्ण भक्ति ये कृष्ण चरित्र ये कृष्ण लीला और ये कृष्ण भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे ने राम हरे राम ने राम ने राम, ने राम हमें नरक में जाने से बचाएगा जरा सोचो इतनी बड़ी बला से हम बचेंगे बहनों माताओं मित्रों हॉस्पिटल तो वहां तो तब भी हमारा क्या होता है, है? इलाज होता है या भगवान ना करे पुलिस किसी के पीछे लग जाए वो डर के मारे इधर उधर छुपता है पुलिस से तो फिर भी कोई वकील आपको छुड़वा देगा लेकिन यम से आपको कौन छुड़ाए पुलिस तो छोड़ो इनकम टैक्स वालों से डर लगता है लोग पूछते हैं उसके यहां रेड़ पड़ी है तुमको पता है उनको डर लगता है कि कहीं हमारे यहां ना पड़ जाए एक के यहां रेड़ पड़ती है समझना मेरी बात को तो दूसरे लोग पता है क्या करते हैं अपनी फाइलें छुपा देते हैं इधर उधर अपने कागज इधर उधर रख देते हैं है कि नहीं अपनी पर्चियां इधर उधर रखते हैं अपने चौपड़े इधर उधर रख लेते हैं एक बात याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों काले धन की फाइल तो कोई भी छुपा देगा लेकिन ये काले मन की फाइल कहां छुपाओगे काले धन की फाइल तो मासी के घर भी रख दोगे काले धन की फाइलें मामा के घर भी रख दोगे काले धन की फाइल दोस्तों के यहां भी रख दोगे लेकिन ये काले मन को कौन लेगा वो तो कर्म खुद को भोगने और ये भागवत आपकी सहायता करेगी वो सारे कर्म काटने में ये सतबुद्धि देगी हमें ताकि ऐसे कर्म आगे हमसे ना हो माताओं बहनों मित्रों अभी हमारी सरकार ने एक स्कीम निकाली थी आपको पता है तीस सितंबर तक किसी को पता है 30 सितंबर तक एक सर एक स्कीम थी कि जिसके पास भी काला धन है वो डिक्लेयर कर दो और उस पर टैक्स दे दो आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा कृष्ण भी कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्याय मामे कम शरण जंग सर्व पापे भयो मुक्तमी तुम सब छोड़ के एक मेरी शरण में आ जाओ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा वो तो कहते हैं धन डिक्लेयर कर दो कृष्ण कहते हैं मन डिक्लेयर कर दो गवर्नमेंट कहती है काला धन डिक्लेयर कर दो और भगवान कहते हैं काला मन डिक्लेयर कर दो सरकार कहती है तुम डिक्लेयर कर दोगे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाता है कृष्ण कहते हैं मां सुच अगर तुम डिक्लेयर कर दोगे तो तुमको भी कुछ नहीं कहा जाएगा और आज ये सब बहने आज ये सब पुरुष आज ये सब सज्जन यदि दिल से कहे कि प्रभु जो हुआ वो तो हो गया अब हम असमर्थ हैं हम पे कृपा करो प्रभु और हमें दी दो और हमें क्षमा करो प्रभु हमें क्षमा करो प्रभु बोलिए ने क्षमा करो प्रभु ऐसी दया करो महाराज नाम नावि तो यहां पर परम पवित्र कृष्ण के चरित्र का वर्णन कीजिए यह प्रश्न पूछा है राजा परीक्षत ने सुखदेव महाराज से और साथ साथ में ये कह दिया गया है यह संकेत दे दिया गया है कि कृष्ण की लीलाएं क्या है परम पवित्र है पवित्र भी नहीं है बल्कि परम पवित्र है बहनों माताओं मित्रों यहां से हरिद्वार लगभग 1500 किलोमीटर होगा यहां से हरिद्वार कम से कम 1500 किलोमीटर होगा और वहां जाने के लिए कम से कम पांच छह हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी होटल बुक करानी पड़ेगी खाने पीने के खर्चे अलग हो गए यहां तो कृष्ण लीला की गंगा आपके घर पे आई है आपको पवित्र करने के लिए वहां खाने पीने पे खर्चा करना पड़ेगा या खर्चा करके आपको खिलाया भी जाता है महाप्रसाद के रूप में एक पंथ दो काज होते हैं इसलिए जब तक मैंने कहा था नहीं ये क्या है ये भागवत का अनुष्ठान है आप आइए मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी देर भागवत पढ़ूंगा लेकिन आपकी नीयत में क्या है भागवत है आपके भाव में क्या है भागवत है यहां कथा हो सकता मैं आधा घंटा पढ़ू लेकिन एक, एक बात बताऊं, जब हम टैक्सी वाले को बुलाते हैं ना तभी से उसका मीटर बोलो ना चालू हो जाता है ना इसी तरह से आपको भगवान कृपा से आपका पुण्य का मीटर तो उसी समय से स्टार्ट हो गया जब आपने विचार किया कि आज मुझे भागवत में जाना है अगर सुबह आपने सोचा था कि आज शाम को मुझे भागवत में जाना है यह शुभ संकल्प ही आपको बहुत पुण्य देने वाला था अब यहां पर कृष्ण की परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए ऐसी याचना की गई है सुखदेव महाराज के द्वारा सुखदेव महाराज को राजा परीक्षित के द्वारा आगे जाके राजा परीक्षित कह रहे भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्व आत्मा है एक बात याद रखना मेरी बहनों माता और मित्रों जब हम कहते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तब समझ लो हम अपने जीवन को धन्य बहनों आता हूं मित्रों कोई कहता है इसने एम बी ए किया इसने धन्य हो गया इसने सी ए किया ये धन्य हो गया इसने ये किया एम बी बी एस किया ये धन्य हो गया इसने पी एच डी किया ये धन्य हो गया लेकिन ये सारी डिग्रियां तो मरने के बाद एक मात्र कागज के सिवा कुछ नहीं है ये मरने वाले के काम नहीं आती है लेकिन जब आप बोलते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप तो जीते जी अपने आप को धन्य कर दे यहां पर भागवत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्व आत्मा बहनों माताओं मित्रों हम सबों में परमात्मा के रूप में ईश्वर विराजमान है एक बात बताऊं मैं तो आप सबों को कथा सुना रहा हूं एक ही छत के नीचे बैठ के आप सब सुन रहे हो एक ही जमीन के ऊपर बैठ के आप सब सुन रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका भाव भी एक ही हो जिसकी जैसी नियत वैसा उसको फल यदि आप यहां पर कृष्ण के लिए आए हो तो कृष्ण भी कभी पीछे रहने वाला नहीं है। ये यथा माम प्रबदे ताम तथा एवं बजाम अर्जुन ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शरण ली अर्जुन के जीवन की सारी बागदौड़ ने संभाल ली कृष्ण ने ऐसे आप भी अपने जीवन की दौड़ भगवान श्याम सुंदर के सुपुर्द कर दीजिए और आप अपना भजन कीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 अब भगवान जो सर्व आत्मा है अर्थात आपकी आत्मा के भी आत्मा कौन है बोलिए ने कृष्ण बहनों एक बात बताऊं कथा तो मैं आपको एक दिन में दस अध्याय भी सुना दूं लेकिन मुझे आपको कथा नहीं सुनानी है मुझे आपको कृष्णमयी बनाना है मुझे आपके कानों में कथा नहीं देनी है मुझे आपके जीवन में कृष्ण देना है कथा का क्या है मैंने एक दिन दो मिनट में वो गीत वो एकादशी की कथा पूरी कर दी बात यह नहीं है बात यह है कि कथा वो हो जो आपकी व्यथा को मिटा दे कथा वो हो जो आपकी व्यथा को मिटा दे जन्म मरण के बंधन मिटा दे और जन्म मरण के बंधन अगर मिटेंगे तभी मिटेंगे जब हम सब श्री कृष्ण की शरणागत होकर श्री कृष्ण भजन करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे क्योंकि यहां साफ भगवत गीता भागवत में लिखा है कि कृष्ण का चरित्र कैसा है परम पवित्र है वो सुनने वाले सब के सब कैसे हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं बहनों माताओं मित्रों आगे आने वाले समय का हमको पता नहीं है। कितने लोग हमारे साथ रहेंगे और कितने लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे किसी को कोई पता नहीं आने वाला समय हमें कितना रुलाएगा कोई नहीं जानता आने वाले समय में कितने प्यारे हमारे कांधे पे जाएंगे या हम उनके कांधे पे जाएंगे कोई कह नहीं सकता है उससे पहले अपने जीवन को सफल कर लो कृष्ण कथा सुन के अपने जीवन को सफल कर लो कृष्ण भजन करके और आपका तो जीवन सफल हो ही रहा है भगवान राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करके सबके जीवन दाता है श्री कृष्ण उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की वो हम सबों को सुनाई उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की आगे जाके अभी बहुत सारी लीलाएं आप सुनोगे और वो लीलाएं आपको पवित्र कर देगी वो लीलाएं आपका जीवन धन्य कर देगी वो लीलाएं आपको यम की मार से छुड़वा देगी आगे जाके श्री कृष्ण की आने वाले दिनों में बहुत सारी लीलाएं आपको सुनने का सु अवसर मिलेगा जिनकी तृष्णा तु, तु, की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम अतृप्त रह गया है गान गाकर मुमुखों ने अर्थात ये जो है बंधन के महारोग से मुक्ति का राम बाण है भागवत में आया है बहनों माताओं मित्रों कहते ने कि ये जो है ना इस बीमारी की अचूक दवा ऐसे बोलते हैं ये इस बीमारी की अचूक दवा है जिसे हम साधारण भाषा में अपनी भाषा में क्या कहेंगे रामबाण है क्या कहेंगे यहां पर भागवत में आया है कि कृष्ण लीला पापों से मुक्त होकर भगवान धाम जाने के लिए राम बाण है यह भागवत में लिखा मुमुक्षो, मुमुक्षो मतलब जो मोक्ष चाहते हैं और वैसे भी हम कई बार गुस्से में सच एक बात बताऊं कभी कभी गुस्से में आदमी सच बोल देता है और हम कभी कभी यह सच तो बोल ही देते हैं कि यहां से तो मेरी जान छूटे तो अच्छा है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अब जिसके घर वाले बैठे होंगे वो नहीं बोलेंगे कि वो देख रहे होंगे लेकिन जो अकेले हैं वो तो बोलते ही हैं कभी कभी गुस्से में बोलते हैं कि तुमसे तो मेरी जान छूटे तो अच्छा है गुस्से में कभी कभी सच्ची बात निकल जाती तुमसे तो क्या कृष्ण लीला तो संसार से ही जान छुड़वा देगी तुमसे तो क्या कृष्ण लीला जन्म मरण के बंधनों से ही जान छुड़वा देगी बहनों माताओं मित्रों अब यहां पर लिखा है कि यह मुक्ति का रामबाण है क्या कृष्ण कथा क्या श्रीमद् भागवत क्या कृष्ण लीलाएं जो जीवन को क्या कर देगी धन्य कर देगी और ये औषध है क्या है दवाई है दवाई बहनों माताओं मित्रों हम सब अपना इलाज कर रहे हैं कौन सा इलाज जो पाप की बीमारी लगी है हम सब को कौन सी बीमारी लगी पाप की बीमारी पाप और संताप पाप क्या है तो संताप हो रहा है पाप का परिणाम संताप और पाप ताप और संताप तीनों की बीमारी है श्री कृष्ण कथा क्या आप मेरे साथ अनुष्ठान लेते हो हम भागवत की रोज कथा सुनेंगे ये जीवन का एक अनुष्ठान बना लो जीवन का एक अनुष्ठान बना लो ये विषयी लोगों को भी कैसे लोग जो पापी लोग हैं उनको भी भगवत भागवत की कथा आनंद देने वाली है भगवान श्री कृष्ण आह क्या अद्भुत भागवत में आया भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर सुखद रसीले, ऐसे सुंदर है कृष्ण मधुरम 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 अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम मधुराधि अखिलम अखिलम मधुरम यमुना आचार्य जी महाराज ने मधुराक्षत कहा मधुर 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 यह लिखा है कि भगवान के गुण गाने से जो पशु घाती यानी हेवान जैसा इंसान है ने आत्मघाती मनुष्य दो लोग कभी भगवत गीत भागवत नहीं सुनेंगे कौन कौन पशु घाती और आत्मघाती यानी कृष्ण कथा ना सुनना आत्मघात करने के बराबर है वाह आप तो सुन रही हो आप अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हो पशु घात करने वाले और आत्मा घात करने वाले ही कृष्ण लीला से विमुख हो गए नहीं तो कृष्ण कथा रसीली है कृष्ण कथा सुरीली है कृष्ण कथा रंगीली है कृष्ण कथा सुखदायक है सुंदर सुखद और रसीले जो गुण गाए जाते हैं गुण गोविंद गायो नहीं की। बेनो, मैं फिर कह रहा हूं ये जो आप एक घंटा देती ने भले आपको ना समझ आए मैं मानता हूं भागवत आज तक मेरी समझ में नहीं आया आपको क्या है मैं मानता हूं लेकिन आप बैठे हो किसके लिए हो? बोलो ने भागवत के लिए आप बैठे हो किसके लिए कृष्ण के लिए आप अगर यहां आए हो तो किसके नाम पे आए हो भागवत के नाम पे आए हो और आपके भाव को भगवान देख रहा आपके भाव को भगवान देख रहा तो दो लोग कभी भागवत दो लोग कभी भक्ति दो लोग कभी सत्संग नहीं सुनना पसंद करते हैं। एक आत्मघाती लोग और एक पशुघाती लोग आगे जाकर और कृष्ण लीला के विषय बताया जा रहा है कि ये कृष्ण लीला सुनने से जो माया है जो जीवों को भटका रही है जीव कैसे तरता है पता है भागवत में आया है जैसे एक गाय के बछड़े के पांव का क्या होता है खुर का निशान है ना कोई भी कैसे आसानी से पार कर सकता है ना ऐसे ही ये कृष्ण लीला सुनकर भागवत सुनकर कोई भवसागर को पार कर सकता है ये भागवत में लिखा अब आगे जाकर भागवत की कथा नया मोड़ ले रही है के अब भगवान कैसे अवतार लेंगे उसकी भूमिका बन रही है और जिस दिन कृष्ण लीला होगी जिस दिन कृष्ण जन्म होगा उस दिन हम एक और बड़ा उत्सव करेंगे देखो बहनों माताओं हमें पैदा करने वाला भागवत में जन्म लेकर आएगा और उस दिन हम एक बहुत बड़ा उत्सव करेंगे तो यहां हमने दो बातें सीखी कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है जी परम पवित्र है और जीवों का कल्याण कर देता है तो मैं मानता हूं कि इस समय आप सबों का कल्याण हो रहा है लोग अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते हैं अब देव की रोहिणी यशोदा नंद बाबा की कथाएं आगे चलने वाली है अब यह कहते हैं कि भगवान की जो लीला है जो मनुष्य की तरह की यह तो उनकी एक लीला है लेकिन वास्तव में तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम है जन्म है उसका कभी जन्म ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता अब एक प्रश्न पूछा गया कि प्रभु आप बताते हैं कि यशोदा देवकी ये सब तो एक ही वक्त में दो माताएं कैसे हो गई अब आगे जाके कल ब्रिज की लीलाएं जिसके लिए कहा गया है और पूछा कि वृंदावन और ब्रिज में रहकर भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं है? की हैं? सूद जी कहते हैं शौनक जी भगवान के परम प्रेमियों में अग्रण से अग्रणीय एवं सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज ने प्रक्षत का ऐसा प्राचीन प्रश्न सुनकर जो सब जीवों के कल्याण के हेतु याद रखना भागवत जीवों के कल्याण के हेतु है एक बात थोड़ी सी समझा दूं आपको कि ये जो आप सुन रहे हैं या क्या सुन रहे हो आपको पता है ये क्या सुन रहे हो कहने को कृष्ण लीला है कहने को भागवत है लेकिन ये आपके जन्म को सफल करने वाला है एक बात बताऊं बहनों माताओं मित्रों जब रात को कभी हमको नींद नहीं आती और ये सबके साथ होता है हम देखते हैं कि हमारे सारे घर वाले हैं सोए है। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं हम अकेले अपने कर्मों को याद करते हैं क्या उस समय हमारा कोई दुख बांटने वाला होता है बोलो न अगर हम कभी कहेंगे भी तो ऐसे बोलेंगे क्या मुसीबत है सारे दिन के थके हुए हैं सोने दो और तुम भी सो जाओ अरे भाई अगर हमें नींद आती होती तो तुमको क्यों जगाते अगर हमें परेशानी ना होती तो हम तुम्हें परेशान लेकिन हमारा जी घुट रहा है हमारा दम घुट रहा है हमें नींद लेकिन उस समय साथ देने वाला कोई नहीं हां हां हा, सुबह बात करेंगे अभी सो जाओ अरे नींद नहीं आ रही सुबह क्या बात करेंगे सुबह तो तुम्हें बात करने का टाइम ही कहा होता है ऐसी अवस्था में हम सब अकेले हैं हम सब भीड़ तन्हाइयों का मेला है आदमी आदमी अकेला ये भीड़ तो लगी है लेकिन कौन सी भीड़ लगी है अकेलों की यह भीड़ है ना लेकिन यह भीड़ किन लोगों की है अकेले लोगों की भीड़ है क्योंकि इनमें से हर व्यक्ति अंदर से अरे कुछ करो कृष्ण को अपने साथ ले लो आपका जीवन आपका अंतिम यात्रा सफल हो जाएगी अब यहां पर बताइए ये सारी प्रश्न जो जीव के कल्याण और जन कल्याण के हेतु है अब भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ किया किसने सुखदेव महाराज ने जो समस्त कली मलो को सदा के लिए धो डालती है बहनों एक बात आपसे पूछू बहनों से पूछता हूं पूछू बोलो ना पूछू मैं कोई कोई मैट्रिक का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि आप डरी हुई हो पूछू आपके घर में कपड़े धुलते हैं धुलते हैं ने? ना? आपकी यही कोशिश होगी कि जो सबसे अच्छे में अच्छा डिटर्जेंट पाउडर है वो लो ऐसा करते हो क्यों जी कि कपड़ों का मेल अच्छे से निकल जाए धुलाई करती हो ना अरे इतनी बोली सीरियस हो जाऊं भागवत है तो हम कोशिश करते हैं जो सबसे बेस्ट में बेस्ट डिटर्जेंट या साबुन हो वो ले ताकि मेल धुल जाए बहनों माताओं मित्रों कपड़ों का मेल तो धुल सकता है लेकिन मन का मेल धोने का कोई आज तक पाउडर नहीं निकला है अपने पाप का मेल धोने का कोई पाउडर नहीं लिखा है लेकिन भागवत में यहां पर स्पष्ट लिखा है मैं फिर से पढ़ रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो समस्त कलीमलों को कलीमल मतलब कलयुग के मेल कलयुग के पाप जो हमने जानते भी भी किए और और मैंने पहले ही कहा अनजाने में कम और जानते में साधा किए और कुछ ज्यादा ही किए ये इनकी दया है कि हमारे पापों पे उनकी कृपा का पर्दा है नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के हमारे जो विचार हैं जो हमारे कर्म हैं जो हमारी सोच है जो हम मन में सोचते हैं अगर वो बाहर आ जाए तो हम अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के ये सच है ये हम सबों को मानना पड़ेगा कि हम अंदर क्या क्या सोचते हैं मुंह से कहेंगे तुम हमारे दोस्त हो लेकिन मन में कितनी दुश्मनियां भरी है वो तो भगवान ही जानता है कभी कभी बहू सास को कहती मम्मी और बहू और सास कहती है क्या बेटी लेकिन वो दिल ही जानता है कि क्या है दे। सेन, सेन बोलती तू ना अच तो मुझी। के मैं बाकी पाया दिल चाहता है इसका गढ़वादे पूरे लेकिन बोल नहीं पाते ये सब दिल की बातें और दिल की बातें तो ईश्वर ही जानता है तो हम पता नहीं कितने दिन में उल्टे सीधे सोचते हैं पाप कर डालते हैं सोच में मन से ही पाप करते हैं और ये लीलाएं यहां कहते हैं कलयुग के सारे पापों को धोने वाली श्री कृष्ण लीलाएं हैं जो सारे पापों को एक बात बताओ साबुन धोएगा लेकिन कल कपड़ा परसों धोएगा फिर लेकिन यहां भागवत में कहते हैं ये श्री कृष्ण लीलाएं आपके पापों को सदा के लिए धो डाल देती है ये भागवत में लिखा हुआ अब श्री सुखदेव महाराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण की लीला रस के रसिक ऋषि तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर है और आदरणीय है क्योंकि यह हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा श्रवण करके आनंद की प्राप्ति हो गई है और मैं भी सुदृढ़ हो गया हूं अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या हो रहा है आरंभ हो रहा है जो हम कल से करेंगे कल कौन सी लीला होती है वो आज मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी पूतनाव है तृणावध है बहुत सारी लीलाएं हैं। अभी जेल में आना है जेल से छूटना है जमुना जी पार करनी है और मथुरा से गोकुल जाना है गोकुल में पूतना आनी है और बहुत सारी लीलाएं होने वाली है जो आपके जीवन को धन्य देगी ये अनुष्ठान कल के लिए हम विराम करते हैं कल हम फिर आएंगे और इसी कथा को कृष्ण लीला को आरंभ करेंगे नित्य वजो हरी क्रिश्न, हरी क्रिश्न, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र लाल निधान